वेलकम बैक। कैसे हो? अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल में भारत में आने वाली सभी प्रकार की सरकारी नौकरी की जानकारी दी जाती है और बिल्कुल सही दी जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल का आइकन है उसको भी ऑन कर दे। हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हो आप सभी? रामगढ़ टेक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो जॉब का अपडेट निकला है वो साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाला गया है, जिसमें पोस्ट का नाम अप्रेंटिस बताया जा रहा है। तो चलिए हम इसका अपडेट देंगे। इसका जो ऑनलाइन का स्टार्टिंग डेट बताया गया 18 जून 2018, इसका आखिरी डेट जो होगा वो 17 जुलाई 2018 तक यहां पे बताया गया है। और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। जी हां दोस्तों, मेरिट लिस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। बस आपको फॉर्म भरना है और इसके वेबसाइट में आपको इंतज़ार करना होगा मेरिट लिस्ट का। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका वहाँ नाम होगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। कॉलिंग लेटर फिर आपको आपके घर पे मिलेगा। इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा वो 100 रुपया होगा। जनरल ओबीसी को, एसटी एससी पीएच को कोई भी फ़ीस नहीं है और महिला लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। आप इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो इसका होगा, अगर आपको जॉब मिलता है तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन तरफ आपको दिया जाएगा। और एज लिमिट जो आपको कैलकुलेट किया जाएगा, 18 जून 2018 में आपको मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल तक मांगा गया। इसमें जो टोटल पोस्ट संख्या निकाला गया 4103 पोस्ट है, जिसमें फिटर को 1460 पोस्ट मिला है, इलेक्ट्रीशियन को 871, वेल्डर को 597, डीजल मैकेनिक को 640, एसी मैकेनिक को 249, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को 102, कारपेंटर को 16, इलेक्ट्रॉनिक को 18, मैकेनिक को 74, एमएमडब्ल्यू को 24, एमएमटीएम को 12 और पेंटर को 40 दिया गया है। पे स्केल इसमें क्लियर नहीं किया गया दोस्तों, पे स्केल। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, मैट्रिक पास कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, मिनिमम 50%, मतलब आपको सेकेंड डिवीज़न होना ज़रूरी है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके साथ आपको आईटीआई का आपको देना होगा ट्रेड। अगर आप आईटीआई किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं आप फॉर्म नहीं भर सकते। बिना आईटीआई का इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर इसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इस पते पर पोस्ट करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका पता लिखा हुआ है दर्जी पर्सनल ऑफिसर ANR SCR RRC। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। उसके नीचे भी पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर सी ब्लॉक रेल नियालम सिकंदराबाद पिन कोड के साथ है। आपको इस एड्रेस पे पोस्ट करना होगा। और यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वो सब सारा डिटेल दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप सारा डिटेल देख सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।